आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव खगुपुरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 28 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर है। 3000 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान क्रांति देवी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान क्रांति देवी और सचिव अजय कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। अपने कार्यकाल में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के खगुपुरा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद की गई है या क्या कोशिशें इनकी आगे जारी रहेंगी, इस सबके बारे में यहाँ आगे प्रधान जी से अगर लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान पति से। कार्यकाल समाप्ति की ओर है, जितना समय बीत गया है आपके कार्यकाल को, इसमें क्या क्या विकास कार्य गांव में करवा लिए? गांव के अंदर ठंडे पानी की फ्रीजर लगवाए और सीसी गर्मी करवाए और एक नया संस्कार बनवाया। आवास मिले यहाँ लोगों को? अभी नहीं। एक भी? कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको आवास मिले। सैकड़ों परिवार हैं और अब तक एक भी आवास नहीं मिल पाया है जी। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत पूरी? अभी नहीं हो रहा। अभी शौचालय की भी यहाँ जरूरत है? हाँ बन सकती है। कितने शौचालय अभी और यहाँ पर? ऐसे ही है, ज़्यादा 10-20 शौचालय की हो गई। जहाँ तक देखा जा रहा है कि आसपास सभी ग्राम पंचायतें जो है पूरी तरह से ओडीएफ हो चुकी हैं, तो क्या कारण है कि अभी आपकी ग्राम पंचायत रह रही है? तो कुछ अभी जो है समुदाय शौचालय रह गए बनने के लिए, तो समुदाय शौचालय बन रहा है कि कोई जगह बने सार्वजनिक शौचालय वो बनने वाले हैं फिलहाल में। और गाँव के अंदर कोई तरीके की दिक्कत ना, लॉकडाउन में सरकार ने बहुत अच्छा करा, राशन फ्री दिया गरीबों के लिए, पैसा भी दिया है सिलेंडर के लिए, पैसा भी दिया है, लेकिन सरकार के कारनामे अच्छे हैं। आपका अपनी तरफ से क्या सहयोग रहा है ऐसे लोगों के लिए जो लॉकडाउन के चलते अगर कोई परेशान रहा? यही सहयोग होगा कि किसी गरीब के घर अनाज ना तो अनाज ले जा, आटा ना आटा ले जा, किसी भी तरह की पैसा की परेशानी तो हम तैयार हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? साफ सफाई का ये लॉकडाउन में जो है कि हमारा सफाई कर्मचारी 3 महीने आगे उसमें चला गया कोरोना के, उसमें गाँव की कुछ हालत ऐसी होगी, फिर मैंने डबल सफाई कर्मचारी लगा देने की व्यवस्था सुधारी है और मेरे तरह से सुधारने में जगह में लगाया गया, लेकिन जो मास्क वगैरह सब पे हैं और उसकी भी यूज कर लिया है। और हमारे गांव की जनता जो है स्कूल में क्या क्या स्कूल में तो शौचालय वगैरह बनवाए और स्कूल जो है जब से लॉकडाउन लगा मार्च से जब तो स्कूलों की दशा खराब हो गई कि जो पेड़ पौधे सब बच्चों में ऐसी वैसे खराब हो गई, लेकिन अब भी हमारा स्कूल और स्कूलों की देखते बहुत अच्छे स्कूल। यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर पंचायत घर ये बने हुए हैं? हाँ बने। बारात घर भी है यहाँ? बारात घर नहीं पंचायत घर। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ। खेल का मैदान? खेल का मैदान है। अस्पताल? अस्पताल है। स्वास्थ्य केंद्र? हाँ स्वास्थ्य केंद्र है। उसमें डॉक्टर बैठते हैं? नहीं बैठते। कोई भी सुविधा उसकी यहाँ किसी को नहीं मिल पाई? कभी कोशिश की इस चीज़ के लिए? बहुत कोशिश की वो देना भी यहाँ पर कोई असर मतलब दिखाई नहीं दिया उसका जी। दानी आप अपने गांव को और ज़्यादा विकसित करने के लिए सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे आप? अब तो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर एक बड़ी टंकी लगनी चाहिए जो पानी की व्यवस्था बढ़िया हो जाए और ये दिक्कत पानी भी खत्म हो जाए। तालाब की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे गाँव का जो पानी है जो हम रोड की तरफ जा रहा उधर कोई तालाब नहीं है जिसमें वो पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी रास्ते में ही इकट्ठा हो जाता है आने जाने में। यहाँ जो है जल भराव की जो है दिक्कतें लोगों को आती हैं यहाँ, लेकिन उधर कोई ग्राम प्रधान वगैरह जिसमें गड्ढा कोई बारिश डाला वहाँ से नहीं परेशानी देगा ग्राम प्रधान जो कि गड्ढा डाला कोई बारिश जी।
अब जैसे कि अनलॉक है, लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है, लेकिन बीमारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप अपने गाँव वालों से क्या कहना कुछ कहना चाहेंगे? अपने जो ध्यान रखो, मास्क वगैरह लगा कर रखो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, ये सब करते रहो तो बीमारी से बचा जाएगा। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इस बीते कार्यकाल में यहाँ अब तक करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास, यहाँ एक भी परिवार को अब तक नहीं मिला है, जबकि सैकड़ों परिवार यहाँ ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। शौचालय भी यहाँ अभी कुछ कमी है, शौचालयों के कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें शौचालय अभी नहीं बन पाए हैं। इसके अलावा स्कूल में भी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ काम यहाँ पर करवाया गया है। समस्याओं की तरफ अगर नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी है, जैसे कि बारात घर जो यहाँ पर निर्मित नहीं है, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र जिसके बिल्डिंग यहाँ पर निर्मित है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र जो कि यहाँ पर ही नहीं, कई ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर केवल नाम मात्र बिल्डिंग बनी हुई है, ना तो वहाँ कोई डॉक्टर है, ना ही दवाइयाँ, किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुविधा एक भी ग्रामीण को कभी नहीं मिल पाती है। सालों से बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसका कोई भी लाभ ग्रामीण नहीं उठा पाए हैं। सफर के साथ नाजरी टू रिटर्न फोर्स।